नमस्कार, हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव। झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को। बाबा सिद्धगी मर्डर शुभम के फ्लैट में रची गई साजिश। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मत्तेई ने पहली बार बैठक की। 50,000 रिश्वत लेता एसआई गिरफ्तार। कांग्रेस ने हरियाणा विधायक दल की मीटिंग बुलाई। अब खबर विस्तार से। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया है। मंगलवार दोपहर ही चुनाव आयोग ने वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना था और वायनाड छोड़ी थी। केरल की दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है। पार्टी ने पलक्कड़ से राहुल ममकुथिल और चेलककरा से राम्या हरिदास को टिकट दिया है। अब बात दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं झारखंड में दो फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया है। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब बात हत्या और हत्यारों की तलाश की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी लीडर बाबा सिद्धगी के मर्डर की जिम्मेदारी शुभम ने ले ली थी। वो गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ा है और बताया जाता है कि लॉरेंस के भाई अनमोल से उसकी बात होती थी। बाबा सिद्धगी के मर्डर के बाद मुंबई पुलिस शुभम को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिला। उसका परिवार 6 महीने पहले ही गाँव छोड़कर जा चुका है, तभी से घर बंद है। इसी साल जनवरी में पुलिस ने शुभम को 3 पिस्टल के साथ पकड़ा था। वो अभी जमानत पर था। अब उसका नाम हत्या से जुड़ गया है। मणिपुर में शांति की तरफ बड़ा पहला कदम। पिछले एक साल से मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच मंगलवार 15 अक्टूबर को दिल्ली में कुकी और मत्तेई समुदाय के बीच पहली बार बातचीत हुई। गृह मंत्रालय की बैठक में दोनों समुदाय के नेता और विधायक शामिल हुए ताकि शांति से हिंसा का समाधान निकाला जा सके। बैठक में मत्तेई समुदाय से राज्य विधानसभा अध्यक्ष धोक चोम सत्यवर्ता सिंह, टोंग ब्राम रोबिंद्रो, था बसंत कुमार सिंह शामिल हुए। वहीं कुकी समुदाय की तरफ से राज्य मंत्री विधायक लेत पाओ हाउकिप और नेमचा किप जैन थे। समुदाय का प्रतिनिधित्व विधायक राम मुइवा, अवंग गबो, नुईमई और एल डिखो ने किया। करप्शन ब्यूरो टीम ने मंगलवार को सब इंस्पेक्टर 50,000 रिश्वत लेता गिरफ्तार किया। ये सब इंस्पेक्टर सोनीपत जिले के सिटी पुलिस थाने में था, जिसकी पहचान बलवान सिंह के रूप में हुई है। बलवान ने शिकायतकर्ता के भाई को समझौते की कॉपी उपलब्ध करवाने के बदले में रिश्वत मांगी थी। इस मामले में जांच जारी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा गुट लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान ने 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हुड्डा गुट से अरोड़ा, सैलजा गुट से बिश्नोई दौड़ में है।